फोर्स डे पर वायुसेना को दी बधाई, बोले इन्होंने राष्ट्र को रखा है सुरक्षित। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। भाकियू भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सीओ वंदना ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। अलीगढ़ में फिल्मी स्टाइल में सराफा व्यापारी से लूट, बाइक सवार 6 बदमाशों ने लूटे 15 लाख के आभूषण। वर्ल्ड कप से पहले तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी हुए फिट, भारत के खिलाफ पहला मैच खेलने को तैयार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। बीजेपी में आज निकाय चुनाव पर बड़ी बैठक जारी है। आपको बता दें कि इस बैठक में आगामी चुनाव में चुने जाने वाले प्रत्याशियों के चयन प्रबंधन पर चर्चा की जा रही है। नेताओं की इस बैठक में बूथ प्रबंधन, चुनावी रैली और मुद्दों पर मंथन जारी है। वहीं इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद निकाय चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक की जा रही है, जिसमें नगर निगम के प्रभारियों की बैठक होगी। वहीं भाजपा ने अपनी टीम को 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। उस बैठक में हम लोग भी शामिल होने के लिए आए हैं। अब बैठक के बाद जो कुछ होगा आप सबके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन नगर निकाय में कमल खिले या संकल्प है और इस संकल्प को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार होगी। आज नगर निकाय से संबंधित चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी की बैठक है। हम पहले चरण में आज सुबह अवधर कानपुर क्षेत्र की बैठक, उसके बाद ब्रजर पश्चिम की बैठक, बाद में काशी और गोरखपुर की बैठक, क्षेत्र की बैठक में आने वाले सभी निकाय चुनाव से संबंधित जिन जिन कार्यकर्ताओं को काम दिया गया है उनकी बैठक करेंगे और चुनाव से तक जो जो काम पार्टी को करने हैं उन कामों की रूपरेखा बनाकर हम लोग पूरे तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। बता दें बीजेपी आज निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में आगामी चुनाव में चुने जाने वाले प्रत्याशियों के चयन प्रबंधन पर भी चर्चा की जा रही है। नेताओं की इस बैठक में बूथ प्रबंधन, चुनावी रैली और मुद्दों पर मंथन जारी है। वहीं इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद निकाय चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव का रुख करेंगे। गौरव, बीजेपी आज निकाय चुनाव को लेकर बैठक कर रही है, अंदर से क्या कुछ जानकारी आ रही है निकलकर? देखिए मयूरी, जैसे जैसे निकाय चुनाव पास आ रहे हैं वैसे जैसे बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसके पहले भी बैठकें हुई हैं और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एकमात्र देश की पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनावी मोड में रहने के कारण हमेशा यहाँ पर बैठकों का दौर चलता रहता है। संगठन की बैठक की बात करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि समय समय पर जिम्मेदारी को बदलते भी रहते हैं और जो सरकार के मंत्री हैं या विधायक हैं या प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, उनसे कहा जाता है जिम्मेदारी को निभाएं। यहाँ पर जो बैठक हुई है, बैठक में भी हर प्रांत क्षेत्र से बैठक हुई, अवध क्षेत्र से, बल क्षेत्र से, कानपुर क्षेत्र से, गोरखपुर क्षेत्र से बैठक यहाँ पर लगातार चल रही है। उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। नेडा में यहाँ पर जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनको बताया गया है, किसी को झांसी दिया गया है, किसी को आगरा दिया गया है, किसी को गोरखपुर दिया गया है, इस तरह यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपको ब्रजेश पाठक को बनारस का नगर निगम का चुनाव का कार्यभार दिया गया है, केशव प्रसाद मौर्य को आगरा नगर निगम चुनाव का कार्यभार दिया गया है, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह
उनको कानपुर नगर निगम की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। तो यहाँ पर जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनको काम है करना चाहते हैं और वास्तव में उनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहती है, उन सभी को बीजेपी ने यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बता दी है और अब उनको नगर निगम में जाना है, प्रचार संभालना है, प्रभार संभालना है और वहाँ पर सकुशल नगर निगम को चुनाव कराना है। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर बीजेपी में आज बैठक हुई है और निश्चित रूप से ऐसे आने वाले समय में ऐसी और ही बैठकें होंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रचार भी करना है, संकल्प पत्र क्या होना चाहिए, सह प्रभारी कौन रहेगा, संयोग क्यों रहेगा, प्रत्याशी के चयन कैसे होगा, तमाम मुद्दे उस पर चर्चा चल रही है। गौरव, निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई है तो क्या निकाय चुनाव की कोई तारीख भी सामने आई है? देखिए, निकाय चुनाव की अभी तो कोई तारीख मयूरी सामने नहीं आई है, हालांकि ये सुनने की बात जरूर है कि परिसीमन का कार्य चल रहा है, परिसीमन का कार्य जैसे ही होगा उसके बाद चुनाव की तारीख का यहाँ पर घोषणा भी हो जाएगी। माना जा सकता है कि नवंबर आखिरी में या दिसंबर शुरुआत में इसके चुनाव हो सकते हैं, हालांकि अगर परिसीमन का कार्य और लंबा चलता है तो दिसंबर आखिरी में भी चुनाव हो सकते हैं और इसके नतीजे जनवरी में आएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ कहा नहीं जाता, परिसीमन का कार्य चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार नगर निकाय बढ़ रहा है, कितने निकाय और बढ़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, जो बाढ़ और उसका परिसीमन हो रहा है, कितने बाढ़ नए बने, कितने बाढ़ घटेंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से परिसीमन के कार्य के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव नवंबर में होंगे या दिसंबर आखिर में। गौरव, क्या इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए मयूरी, चुनाव 2024 के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर निश्चित रूप से जब चुनाव की रणनीति बनती है तो वहाँ पर बड़े चेहरे भी होते हैं और निश्चित रूप से जो निकाय चुनाव है ये सेमीफाइनल मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की जो रास्ता है वो तपरे से होकर जाता है। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, मोहल्ले का चुनाव होता है, कॉलोनी का चुनाव होता है, पर चुनाव तो चुनावी होता है, और अगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा तो उससे आगे की राह आसान होगी। और निश्चित रूप से जो मेन नज़र है वो 24 का चुनाव भी है और निकाय चुनाव को, ये मान लीजिए एक प्रकार से ये सेमीफाइनल है कि अगर उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे उसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा और 24 की जो राह है वो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अन्य पार्टियाँ भी बिल्कुल सक्रिय हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है 2024 चुनाव को लेकर और नगर निकाय चुनाव को लेकर। जी, धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। आगरा में खंदारी स्थित 100 फुटा रोड स्थित जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि बीते 3 दिन पहले आर मधुराज हॉस्पिटल में भी अग्नि शमन की लापरवाही के चलते 3 लोगों की जान चली गई थी। लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई है, जिनकी सतह पर अग्निकांड की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके में बेखौफ बाइक सवार हथियार बंद बदमाशों ने सराफा व्यापारी के साथ उस वक्त बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया जब सराफा व्यापारी यूपी के कासगंज जिले से अपनी कार में सवार होकर अपने घर सोने चांदी के जेवरात लेकर वापस जा रहा था। तभी 3 बाइक सवार अवैध हथियारों से लैस हथियारबंद 6 बदमाशों के द्वारा फिल्मी स्टाइल में सुनसान रास्ते पर सराफा व्यापारी के कार के आगे बाइक खड़ी कर रास्ता रोक लिए, जिसके बाद 2 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी के अंदर रखे करीब 15 लाख के सोने चांदी के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं कई लाख की लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और पीड़ित सराफा व्यापारी से लूट की वारदात की जानकारी करते हुए फरार बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुट गए। कहाँ से आ रहे थे आप? सर, हम कासगंज से आ रहे थे और अलीगढ़ होते हुए हापुड़ की साइड जा रहे थे जी। तभी शेखा झील के पास हमारे साथ 3 बाइकों पर 6 बदमाश सवार जी, जो सभी तमंचों से लैस थे। एक ने हमारी गाड़ी की आग लगाई मोटरसाइकिल, एक ने राइट हैंड साइड, एक ने लेफ्ट हैंड साइड जी। तमंचे निकाल के बोले गोली मार देंगे, शीशा खोलो, गेट खोलो, फिर डिक्की खोलो जी। डिक्की में हमारे 2 बैग थे जिन्हें वो लूट के ले गए। आज शाम लगभग 5:30 बजे थाना अकराबाद के अंतर्गत शेखा झील के पास में एक लूट की घटना कारित हुई है, जिसमें हापुड़ निवासी पुनीत जिंदल के साथ जो कासगंज से लौट रहे थे उनकी गाड़ी रोक करके कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके बैग और 6,000 रुपये लेकर गए हैं। पुनीत जिंदल द्वारा बताया गया कि बैग में लगभग 100 जोड़ी बंदेज चूड़ियाँ थीं जो कि गोल्ड प्लेटेड हैं। इस संबंध में इनसे
तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बलरामपुर में एक युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से बेखौफ बदमाशों ने वार कर दिया और फरार हो गए। बता दें कि युवक भाजपा नेता भी है और तुलसीपुर से सटे गांव मधुनी नगर का निवासी है। घायल खुद अपनी कार चलाते हुए एचके हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने शोल्डर में गोली फंसी हुई देखकर अपनी गाड़ी से जिला संयुक्त हॉस्पिटल लेकर गए। संयुक्त हॉस्पिटल डॉक्टरों द्वारा जिन्हें हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, तो उधर गोली चलने से घटना की जानकारी मिलते ही संयुक्त जिला अस्पताल में भाजपा नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, तो वहीं प्रशासन भी अपनी कार्रवाई में जुट गई। थाना क्षेत्र में एक तुलसीपुर कस्बे में उधर मार्केट करके है और इनके ओनर जो है मार्केट से अपनी दुकान से वापस अपने घर मध्यनगर जा रहे थे। इनका कहना है कि रास्ते में दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इन पर हमला किया गया। इनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इनका इलाज चल रहा है। परिवारी जनों की तहरीर पर अभी पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। पड़ेगा? अच्छा, कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये जो गोली चली है कहाँ पर लगी, किसने मारी है? किसने मारी इतना तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अंधेरा था वहाँ पे गाड़ी की लाइट। किस जगह पे? टेलीफोन एक्सचेंज है उसका थोड़ा सा 100-150 मीटर आगे। अच्छा, किससे थे वो गोली जो मारे थे? वो लोग कैसे, कितने लोग? कितने लोग थे? एक चला रहा था और एक ने मारी। अच्छा, मतलब पहचान नहीं पाए? ऐसे तो ये नहीं कर सकते कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे तो। कितने राउंड गोली मारे थे? दो गोली मारी गई। अच्छा, मुझे पता नहीं है कितना मारा, लेकिन शीशे पे दो सुराख दिखे मुझे। अच्छा, आप किससे थे? मैं अपने डिजायर का। अभी मुझे 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि तुलसीपुर से हमारे बड़े प्रिय सहयोगी ऋतिक सिंह को गोली लग गई है, तो मैंने फोन से उनके नंबर पर संपर्क किया तो उनके सहयोगी कार्यकर्ता फोन लिए हुए था, उन्होंने बताया कि हाँ घटना सही है और हम उनको लेकर के संयुक्त चिकित्सालय आ रहे हैं। यहाँ से मैंने देखा और मुझे खुशी हुई कि लड़का खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है, बेहतर इलाज देने का काम हो रहा है। बुलंदशहर के सियाना भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने सीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बाक्यू भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर प्रेमपाल चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीओ कार्यालय पहुंचे। ठाकुर प्रेमपाल चौहान ने बताया कि कुछ दिन पहले बाक्यू भानु मेरठ मंडल अध्यक्ष नरेशवती कौशिक की स्कूटी को क्षेत्र के ग्राम बरौली वासुदेवपुर के निकट अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें नरेशवती घायल हो गई थी। बताया कि नरेशवती द्वारा कोतवाली पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। चौहान का आरोप है कि पुलिस ने अज्ञात आरोपी की पहचान करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं सीओ वंदना शर्मा ने मौजूद कार्यकर्ताओं से वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शनि मंदिर पे एक्सीडेंट हुआ है, इनके चोटें सीओ साहब ने माना है कि चोट है, एक्सीडेंट मान नहीं है, और न्यायियों ने ये कहा था कि साहब हम मुकदमा बंद कर देते हैं, एफ आर लगा देते हैं, लेकिन एफ आर नहीं लगी है। आज मैं ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान शनि मंदिर पे मौके पे जाके जांच करेंगे और अगर एक्सीडेंट वास्तविकता में हुआ है और इनके चोट है तो सीओ साहब की ऑफिस पे कह रहा हूँ कि अगर मुकदमे में कार्रवाई नहीं की तो बुलेंसर कप्तान तो क्या मैं DGP और मुख्यमंत्री तक धरना दूंगा। देश में लॉन्च हुई हिंदुत्व फिल्म को लेकर देश के अलग अलग कोने से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभा रही सपना दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बहू है, जिसके चलते फरीदाबाद के लोगों में भी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह नजर आया। इसी के चलते अखिल भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही अभिनेत्री सपना के ससुर सुरेंद्र ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस फिल्म को देखा। इस फिल्म और उसमें निभाए गए सभी किरदारों को देखकर वह काफी उत्साहित नजर आए। इस फिल्म को अवश्य देखें ताकि एक सीख ले कि भाई हमारी जो सनातन परंपरा है वाकई आपसी शांति सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने वाली है। मुख्य कलाकार आपने पुत्र वधू जी, लोगों को आज 50 की सीट हमें मिली और आगे भी जो देखना चाहे
वो अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में हमसे संपर्क करें, उनके लिए टिकट की व्यवस्था हम सबके लिए कराएंगे। क्या संदेश देंगे लोगों को? देखो, संदेश तो हम ये देंगे, हमारी जो संस्कृति है वो सभी के लिए आपसी भाईचारे की है। इससे पहले कश्मीर फाइल आई थी, उसको भी हमने ब्राह्मण सभा के माध्यम से सभी को दिखाया था। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट में स्थित सोसाइटी में मामूली सी कहासुनी पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ही तरफ से जमकर लात घूसे चले। मारपीट की पूरी वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों ही पक्षों की तरफ से इसकी शिकायत पुलिस से की गई, जिस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर जिले के बिमवार थाना क्षेत्र के मवई जार गांव का है, जहां आकाशीय बिजली के कहर से बकरी चराने गए दो चरवाहों की मौत हो गई, जबकि कुछ मवेशी भी चपेट में आकर झुलस गए। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम रविंद्र सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजन को सरकार द्वारा मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कैसे हो गई घटना? सर, खेत में बकरियां भैंस चरा रहे थे, बारिश हो रहा था, तो वहाँ पर पेड़ के नीचे खड़े थे हम, थोड़ा दूर बैठे हुए थे तो वहाँ पर गाज गिरी, हम वॉक कर गए, देखा कि ये गिर गए, आग बरने लगी इनके ऊपर, तो मैं उनको उठाया सुटाया अंदर ले गए, तो मालिश वालिश किया, घर में फ़ोन किया, दो चार लोग आए, फिर इनको लेकर आए यहाँ पर। करीब तकरीबन 3 बजे हमें सूचना मिली कि ग्राम मवईजार में दो ग्रामीणों की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मृत्यु हो गई, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे आए, मौके पे आए तो हमें पता चला कि एक मृतक का नाम बदलू पुत्र भारत जिनकी उम्र 50 वर्ष है और दूसरे अनीस पुत्र कैलाश कुशवाहा जिनकी उम्र 38 वर्ष है, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। तो मौके पे आके पुलिस ने और हमने जो है इनका पंचनामा कर दिया है और बॉडी को, शव को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हम लोग कोशिश करेंगे कि 72 घंटे के अंदर, जैसे कि हमारी सरकारी प्रावधान है, 72 घंटे के अंदर हम इनको, इनके परिवारजनों को सहायता पहुंचा सकते हैं। हरदोई जनपद के पिहानी कोतवाली इलाके के एक गांव में एक 19 साल की युवती ने अपने ही प्रेमी द्वारा प्यार में मिले धोखे से आहत होकर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज हरदोई में भर्ती कराया गया। इस दौरान युवती के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बनी हुई है और मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का हाल जाना और मामले की छानबीन में जुट गई। देखिए, अभी एक मामला आया जो पिहानी क्षेत्र का है, जिसमें एक लड़की का प्रेम संबंध था एक लड़के से और उसने शादी से इनकार कर दिया, तो उसने जहर खा लिया है। अभी हालत थोड़ी सी गंभीर लग रही है, लेकिन डॉक्टर उपचार कर रहे हैं और जिस लड़के से संबंध था पुलिस को बोल दिया गया, इंस्पेक्टर को, उसको गिरफ्तार करें, बाकी जैसा भी होगा तुरंत विधिक कार्रवाई की जाएगी। नोट वगैरह भी एक, हाँ, एक सुसाइड नोट भी मिला है कि उसने बताया कि प्रेम संबंध था, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसका दोषी कौन होगा, तो सुसाइड नोट हमने ले लिया, अपने कब्जे में हमारे हैं, उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। नोएडा में एक महिला डॉक्टर ने खुद अपने बाल काट डाले हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रही महिला का नाम डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज है। दरअसल सितंबर में ईरान की धर्माचार पुलिस ने हिजाब सही तरीके से नहीं पहनने के आरोप में 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में लिया था। इसके बाद वह थाने में गिर पड़ी और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। अमीनी की मौत के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी क्रम में नोएडा की डॉक्टर ने भी विरोध दर्ज कराया है। नोएडा पुलिस एक के बाद एक मुठभेड़ कर बदमाशों को सबक सिखा रही है। पुलिस ने अलग अलग दो मुठभेड़ कर एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग लीडर और दो गौकशी करने वाले तीनों बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। गौकशी करने वाले 25,000 के इनामी घोषित थे। शातिर चोर के पास से एक बाइक, तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, ज्वेलरी, जबकि गौकशों के पास एक अवैध असलहा, तीनों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। थाना 39 क्षेत्र में चौकी 41 के पास गौकशों से एक मुठभेड़ हुई है, जिनमें दो गौकश
घायल हुए हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम कफील और दूसरे का बिलाल है। मूल रूप से ये दोनों थाना क्षेत्र धौलाना हापुड़ के रहने वाले हैं और इनमें से एक वर्तमान समय में गाजियाबाद में निवास कर रहा था। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस चिलिहा थाने की पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट के 45,000 रुपए, एक तमंचा, एक कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद किया है। चिलिहा थाने की पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस के साथ मिलकर इन शातिर पांचों लुटेरों की गिरफ्तारी की है। तो वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि पकड़े गए पांचों अभियुक्त नशे के आदी हैं और वो अपनी लत को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सितंबर को थाना चिलिया क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक जब वो अपनी दुकान से शाम को वापस आ रहा था तो उसके साथ बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें आज हमारी एसओजी टीम और थाना चिलिया की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण कर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही लूट की घटना में लूटी गई संपत्ति का 100% बरामदगी की गई है, जिसमें 45,000 रुपये नकद और साथ में जिस बैग को लूटा गया था वो भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।